कांग्रेस ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा है। शिमला में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा इस यात्रा के जरिए जन आशीर्वाद चाह रही है या जनता को महंगाई व कोरोना का आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले उपचुनाव में भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है और कांग्रेस इन उपचुनावों में जीत दर्ज करेगी। जनता को महंगाई का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लगातार प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बेकाबू हैं। खाने का तेल 200 का आंकड़ा पार कर गया है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जनता इस आशीर्वाद को स्वीकार करने वाली नहीं है। और अगर ये जनता का आशीर्वाद चाह रहे हैं तो वो इनको मिलने वाला नहीं, क्योंकि आने वाले जो उपचुनाव हैं, जो जनता है वो मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो निश्चित तौर पे चुनाव में परास्त होगा।